बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने शिकंजा कस लिया है। अभिनेता शाहरुख खान का बेटा आर्यन गिरफ्तार हो चुका है। शाहरुख खान के घर पहुंचे सलमान खान। आर्यन के गिरफ्तारी के बाद सलमान पहुंचे घर। अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा पर भी शिकंजा कसा गया है। किला कोर्ट ने आरोपियों को एक दिन के रिमांड पर भेजा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज एनसीबी के दफ्तर में जो सेल है उसी के अंदर रात आर्यन को बितानी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन के रिमांड पर कोर्ट ने आर्यन, अरबाज और मुनमुन को एनसीबी को सौंप दिया है। हमारे साथ अभिनेता अकबर जी जुड़ चुके हैं। अकबर जी, जिस तरीके से बॉलीवुड पर ऐसा लग रहा है मानो बीते दो साल से ड्रग्स का साया छाया हुआ है, इसके छटने की उम्मीद आपको लग रही है? एक्चुअली क्या, मीडिया, आप मीडिया हो जी। अभी आपने पढ़ा होगा शायद चार दिन पहले कि वो अडानी की जो वो थी वहां पे पकड़ा गया था जी। पर मीडिया का अटेंशन मिलता है तो लोग छापते हैं, और भी बहुत सारे फंडे हैं वो छापते नहीं है जी। तो अभी अभी क्या है कि ठीक है, आर्यन, आर्यन कौन है, तो टॉपिक बड़ा क्यों है? वो ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, वो ड्रग्स ले रहा है, अपनी लाइफ में ड्रग्स ले रहा है, जो रेप हो रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करते हम जी। लेकिन अकबर जी, ऐसा थोड़ी ना है कि एक गलत घटना को हम दूसरी गलत घटना के साथ जस्टिफाई करने लगे। नहीं, जस्टिफाई मत करो सर। तो अडानी, अडानी वाला जो केस था वो क्यों, वो तो डिनाई कर दिया अभी जी। तो सर बॉलीवुड के पीछे पता क्या, एक्चुअली ग्लैमर इंडस्ट्री है, आपको टीआरपी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो वही तो बोल रहा हूँ कि आप ठीक है, आर्यन को मिला, वो जाएगा जेल, जाने दो उसको, इसको टॉपिक क्यों है जी। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, एक्टर को पता मेरे को नहीं ना, ये टॉपिक बड़ा आप बनाएंगे तो सेलिब्रिटी बन जाएंगे लोग जी। आप ये कह रहे हैं कि, आप ये कह रहे हैं कि इस घटना को ऐसे ही सामान्य करके छोड़ देना चाहिए? नहीं, सामान्य नहीं, सामान्य नहीं, कोर्ट जो लेगा डिसीजन, कोर्ट जो लेगा जी, कोर्ट लेगा, कोर्ट डिसीजन लेगा, कोर्ट है ना। संजय दत्त जी वो नेगेटिव बन के हीरो, समझ रहे हो, फेमस तो कोई ना कहीं ना कहीं। आप ठीक है अकबर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अभिनेता गौरव वर्मा जी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, जिस तरीके से घटनाएं चल रही हैं बीते दो साल से, हम देख रहे हैं कि मानो मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स की एक अलग तरीके की घटनाएं सामने आ रही, और वो राष्ट्रीय पटल पर आ रही हैं। आपको लग रहा है कि ये साया छटता हुआ दिखाई देगा या अभी और गहराने वाला है? सर अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी जैसे आर्यन का जो केस हुआ है शाहरुख के बेटे का जी, वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसके बेटे का सीन हो सकता है, क्योंकि बड़ा ही उसको यूथ में दिखाया जा रहा था कि वो इतने ही फिटनेस पे था, इतने बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दे रहा था, कैरेक्टर की चीजों पे था। वही ट्रक का, एनसीबी का जो पकड़ा गया पूरा जो क्रूज पे है जो सीन हुआ है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि हमें लगता है कि चीजें और भी निकल के आ सकती है बात, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीजें नई नई सबके सामने आती जा रही है जैसा कि हम देख रहे हैं रेगुलर। तो मेरे ख्याल से शायद अभी और चीजें निकल के आएंगी कहीं ना कहीं। और जी गौरव, अभी तक हम मुंबई के बारे में सुनते थे कि जो डिप्रेशन में चला गया, जिसको काम नहीं मिल रहा है, वो ड्रग्स का आदि हो जाता था। लेकिन ऐसा क्या कि जो यंगस्टर्स हैं जो अभी स्ट्रगल करने भी नहीं लगे वो भी ड्रग्स के आदि हो रहे हैं? सर क्या होता है ना कि जैसे जो बाहर का लाइफस्टाइल है, बेसिकली मैं जहां तक जानता हूँ मुंबई के बारे में, तो लोग लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को और रईस दिखाने के लिए इन चीजों में पढ़ते हैं और अपने आप को लेवल अप करना चाहते हैं कि जो दूसरे सेलिब्रिटीज है जो हाई लेवल पे है हम भी उन तक पहुंच सके, तो इसलिए वो चीजों का सेवन करते हैं, ड्रग्स वगैरह जो चीज है उनको एडिक्शन में लिया जाता है, और धीरे धीरे उनको एडिक्शन होता है, उनको पता भी नहीं चलता वो चीज लाइफस्टाइल को देखते हुए। ठीक है गौरव, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरती सक्सेना जी जुड़ गई हैं। आरती जी, जिस तरीके से एक दिन के रिमांड पर सौंपा गया है, दूसरी तरफ एनसीबी है जो साफ कह रही है कि उनके पास व्हाट्सएप चैट है, इसके अलावा और भी सबूत है, पेडलर तक पहुंचा जा सकता है, आगे तक पहुंचा जा सकता है, मानकर चले कि रिमांड और बढ़ सकता है? ये तो पुलिस का मामला है तो कुछ भी हो सकता है जी, मतलब रिमांड बढ़ भी सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली तो वो लोग कोशिश तो यही करेंगे कि रिमांड पे ले जी। हाँ, लेकिन वकील है तो वकील बचाने की कोशिश करेंगे जी। तो मतलब अभी तक कुछ क्लियर तो है नहीं, कल एक पार्टी में गए तो उनको अरेस्ट किया, उसी बिहाफ पे पूरा केस चल रहा है जो भी है जी। तो
तो एक सेलिब्रिटी है इसलिए ज्यादा उनको मतलब हाईलाइट किया जाता है कि सेलिब्रिटी नॉर्मल होते तो शायद नहीं होता कुछ जी ऐसा हो जाता है। लेकिन आरती मैम हाँ, क्या ये हाँ, भी मुमकिन है कि इसके बाद कम से कम बॉलीवुड का थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलता हुआ नजर आए, क्योंकि जो लोग अभी तक ये सोचते थे कि वो अनटचेबल हैं, उनको टच नहीं किया जा सकता, अब वो सलाखों हाँ, के पीछे हैं। राइट, नहीं डर तो बैठ ही गया ना लोगों के दिल में जी, अब ऐसे जो धड़ल्ले से जो काम हो रहा था वो अब नहीं होगा, मतलब ये होगा जरूर क्योंकि ये सब चीज बंद नहीं होती है, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी लिमिट्स आ जाएगी, थोड़ा सा डर आ जाएगा कि हम सेलिब्रिटी है लेकिन हम पे ही सबसे ज्यादा नजर है आज के टाइम में जी। तो डर तो आ ही जाएगा, वो तो आप एकदम सही, और ये हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है क्योंकि तो ये जो नई जनरेशन है वो पूरी इसमें दूसरी जा रही है जी। जो नई पीढ़ी है तो वो बहुत जरूरी है कि मतलब लाइक इस पे होते ना अंकुश लगे जी। ठीक है आरती सक्सेना जी, शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। दरअसल सामान्य और सेलिब्रिटी के बीच में एक अंतर होता है, जब सामान्य आदमी कोई घटना करता है तो उससे लोग सीखते नहीं है, लेकिन जब एक सेलिब्रिटी इस तरीके की घटनाएं करता है या इन तरीके के काम में इन्वॉल्व होते हैं तो इंस्पायर होते हैं लोग, इसलिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो पूरा रैकेट चल रहा है इसके अंत तक जाना चाहिए।